बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आपको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी चाहने वालों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अब साथियों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज साथियों मैं आपको एक महत्वपूर्ण गाइड के बारे में चर्चा करूंगा या फिर उस गाइड के बारे में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके पास में एक महत्वपूर्ण गाइड ज़रूर होनी चाहिए। अब साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले साथियों हम जिस गाइड के बारे में बात करने वाले हैं वो गाइड है साथियों भारत का संविधान और राज व्यवस्था। ये साथियों परीक्षा मंथन की एक महत्वपूर्ण गाइड है। छोटी सी गाइड है लेकिन साथियों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। क्योंकि साथियों आप सबको पता है, जो गांव में रहने वाले विद्यार्थी हैं उनके पास में जो दूसरी गाइड अभी मैं दिखाने वाला हूं वो शायद हो सकता है गांव में ना मिले। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो गाइड परीक्षा मंथन की है ये भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन साथियों इस गाइड के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये गाइड किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो साथियों, अगर आपके पास में एनसीईआरटी सर महेश कुमार वर्णवाल सर की ये गाइड है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये नहीं है और आपके पास दृष्टि आईएएस की ये जो एमसीक्यूज वाली गाइड है तब भी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। एम लक्ष्मीकांत का नया वाला एडिशन अगर आपके पास है तब भी आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना होगा कि मेरे पास में ये वाली गाइड है। अगर ये वाली नहीं है और आपके पास ये जो पांचवा एडिशन है, पांचवा संस्करण है एम लक्ष्मीकांत का ये गाइड है, तब भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब साथियों ये रही बात, और उसके बाद अगर आपके पास में ये गाइड है डीडी बसु की भारत का संविधान, तब भी दोस्तों आप इन में से, यानी साथियों मेरा कहने का मतलब है अगर इन में से कोई भी एक गाइड आपके पास है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपके पास कौन सी गाइड है। दूसरी बात, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी लिखें, और इन में से कौन सी गाइड आपके पास में, अगर कोई भी गाइड नहीं है तो अगर परचेज करने की सोच रहे हैं तब भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि मैं नई बुक परचेज करने वाला हूं, कौन सी खरीदूं, तब भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इन में से सबसे बेस्ट बुक कौन सी है वो भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन साथियों अब जानकारी मैं आपको जब इस गाइड के बारे में देता हूँ वो है इंडियन पॉलिटी से संबंधित। उससे पहले आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी उनका क्या है 10वीं 12वीं पढ़ रहे होंगे या बीए कर रहे होंगे, तो उन विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी पुस्तक दोस्तों डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की, जो कि है स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट से संबंधित। अब साथियों आशा करता हूँ ये गाइड आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये पुस्तक आप किस माध्यम से खरीद सकते हैं, जो विजय अग्रवाल सर की संस्था है उनसे। तो अब साथियों ये स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अपना काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और उसके लिए दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण गाइड है। अब साथियों आपको मैं एक और महत्वपूर्ण गाइड के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो कि है सबसे महत्वपूर्ण गाइड वन डे एग्ज़ाम के लिए साथियों। ये है सामान्य अध्ययन की अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड है साथियों मनोहर पांडे की, बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, प्रत्येक विषय के बारे में विस्तार के साथ इसमें दिया गया है। अब साथियों ये जो 2021 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास में है दोस्तों, और ये जो अरिहंत पब्लिकेशन की गाइड है इसे भी आप परचेज करके पढ़ सकते हो, अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ये 1360 रुपये यहाँ पर एमआरपी लिख रखा है, लेकिन साथियों ये आपको कुछ डिस्काउंट से मिल जाएगी, और ये दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है। अब साथियों अगर आपको एमसीक्यूज से संबंधित प्रैक्टिस करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण गाइड है दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की। इसके अंदर क्या खासियत है
वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले साथियों ये 2021 का जो नया लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर 10,000 प्लस MCQs दिए गए हैं। अब साथियों अगर आप MCQs का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कोई भी वन डे एग्ज़ाम जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या करंट अफेयर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसी एक गाइड से कवर हो जाएंगे। इसलिए साथियों इस गाइड को आप परचेज कर सकते हो। इसकी एक और विशेषता है दोस्तों, वो व्याख्या के साथ में क्वेश्चन बताया गया है, तो ये पुस्तक भी पढ़ सकते हो दोस्तों। ये MRP लिखा है 990 रुपये, लेकिन साथियों ये भी डिस्काउंट के साथ में आपको मिल जाएगी। अब साथियों अगर आप के पास इन में से दोनों में से कोई भी एक गाइड है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मेरे पास ये वाली गाइड है। नहीं है तब भी दोस्तों आप ज़रूर लिखें कि मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या है, आप ज़रूर अपनी समस्या, अपने जो भी विचार उमड़ते हैं आपके दिल में वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक अगर कर दीजिए, आपके दिल में आता है तो, बाकी आपकी इच्छा है। और शेयर ज़रूर करना साथियों, जब आप किसी भी अपने जो भी शुभ चिंतक है आपके उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है उनको भी इन में से किसी एक गाइड के बारे में अगर पता चलेगा तो उनको फ़ायदा होगा। और बाकी दोस्तों प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें पूरी इन गाइडों के बारे में विस्तार के साथ बताया गया है। अब साथियों चलते हैं हम परीक्षा मंथन की, ये जो पुस्तक है ये गाइड है भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित, संविधान से संबंधित। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले साथियों जब आप ये पढ़ेंगे तो इसके अंदर दोस्तों क्या दे रखा है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, वो सबसे पहले इसमें दिया गया है। यानी मानव अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है इस गाइड में। और आपको भी पता होना चाहिए साथियों मानव अधिकार तो सबसे महत्वपूर्ण होते ही हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है वो बताया गया है कि संविधान का इतिहास किस प्रकार का है, संविधान कैसे बनना शुरू हुआ, किस तरीके से तैयार किया गया, वो जानकारी दी गई है। उसके बाद साथियों इसके अंदर दिया गया है उद्देशिका के बारे में विस्तार के साथ बताया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भी इसी एक गाइड के अंदर आपको विस्तार के साथ जानकारी मिलने वाली है। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। मूल अधिकार के बारे में, अब साथियों मूल अधिकार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं और किस फंडामेंटल राइट में क्या प्रावधान किया गया है आपके लिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में साथियों यहाँ पर संघीय कार्यपालिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उसके बाद में संघीय विधान मंडल संसद, उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। उसके बाद में दोस्तों जो अगला भाग है उसके अंदर क्या दिया गया है, राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में यहाँ पर इस गाइड में दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो राज्यों में जो विधान मंडल होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, और राज्य और संघ के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। एक केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के मध्य कैसा संबंध होगा, राज्यों और केंद्र के साथ कैसे संबंध होंगे, वो सब जानकारी आपको इसमें मिलेगी। स्थानीय स्वशासन के बारे में, पंचायत, नगरपालिका, सहकारी जो समितियां होती है उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सब विस्तार के साथ दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों राज्य और संघ के मध्य जो अधीनस्थ सेवाएं होती है उनके बारे में विस्तार के साथ इसी एक महत्वपूर्ण गाइड में दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों निर्वाचन आयोग से संबंधित भी जानकारी दी गई है आपको कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस भाग में, किस अनुच्छेद में, किस तरीके से किया गया है वो जानकारी आपको मिलेगी। कुछ विशेष उपबंध है वो भी इसमें मिलेंगे इसी पुस्तक में। राज्य की जो राजभाषा है उसके बारे में जानकारी और उससे संबंधित अनुच्छेद, आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भाग से संबंधित जानकारी इसी में मिलेगी आपको। उसके बाद में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और विशेष उपबंध जो होते हैं उनसे संबंधित और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से संबंधित यहाँ पर विस्तार से दिया गया है। उसके बाद में दोस्तों संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है वो भी जानकारी आपको इस गाइड में मिलेगी। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर
तो कुछ अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं और उनसे संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण, जैसे मान लो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज है या फिर कोई महत्वपूर्ण चिन्ह है उससे संबंधित है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, पंचांग, पशु पक्षी पुष्प, इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस गाइड में दी गई है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो होती है वो जानकारी इसमें दी गई है। बाकी साथियों आप सबको पता है इंडियन पॉलिटी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में इनमें से कौन सी गाइड है जो मैंने आपको दिखाई है, इनमें से कौन सी गाइड के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो वो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रत्येक गाइड के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, वो भी जानकारी वहाँ से हासिल कर सकते हो। साथ ही दोस्तों इन गाइड के बारे में भी मैंने जानकारी दी है। अब साथियों आशा करता हूँ ये जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई है इस जानकारी से आपको बेनिफिट जरूर हुआ होगा अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हैं फिर भी आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई बहन, रिश्तेदार या कोई भी आपका फ्रेंड, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाए ताकि उसे भी एक सही पुस्तक की सही जानकारी सही समय पर मिल सके। आशा करता हूँ दोस्तों इस जानकारी से आपको कुछ बेनिफिट तो ज़रूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, किसी भी समय कमेंट कीजिए, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा और हमें भी खुशी मिलती है कमेंट जब आप करते हो तो उससे हमारा मोटिवेशन या मोटिवेट होते हैं हम उससे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सब खुश होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।